अपने ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने इंदौर के बाईपास पर जोनल ऑफिस की शुरुआत की। इस मौके पर कार्यक्रम में शिरकत करने आए बैंक के एमडी सीईओ दीन बंधु महापात्रा ने कहा कि जीएसटी से व्यापारी अपडेट हो जाएंगे और उन्हें बैंक से मिलने वाली सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। इंदौर में बैंक ऑफ इंडिया ने स्वयं का जोनल कार्यालय खोल लिया है। इसके उद्घाटन के अवसर पर आए एमडी व सीईओ दीन बंधु महापात्रा ने डिजियाना न्यूज से चर्चा में कहा कि हमने नर्मदा के नजदीक अपना जोनल कार्यालय खोला है। सारे मध्य प्रदेश के लोगों को, खासकर इंदौर वासियों को बैंक ऑफ इंडिया तरफ से हार्दिक स्वागत। आज बैंक ऑफ इंडिया ने इंदौर शहर में नर्मदा नदी के किनारे हमारा बैंक का पहला अपना जोनल ऑफिस उद्घाटन किए हैं। इसमें हमारा बैंक का जोनल ऑफिस, मिड कॉर्पोरेट ब्रांच, एसएमई ब्रांच, रिटेल हब सारे एक जगह रहेगा, जो कि आप लोगों को सेवा करने में हमको सुविधा होगा और आपको भी सुविधा होगा। हम इस मौके पर आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए हमारा बैंक ऑफ इंडिया में आपका कारोबार अधिक से अधिक हो, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हमारा सारे स्टाफ को यही हमारा आज का पैगाम है कि हम एमपी को सारा भारत में नंबर वन बनाएं और इंदौर शहर जो कि भारत का एक मुख्य व्यवसायिक स्थल है, उसको भी भारत में नंबर वन बनाएं। बैंक ऑफ इंडिया के साथ रहे, आपका मंगल हो। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा बैंक घर घर दस्तक देगा। हम ग्राहक लोगों को पास जाने के लिए उनका सारे जो रिक्वायरमेंट है, उनका जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हम एक स्कीम बनाए हैं घर घर दस्तक। घर घर दस्तक के अंदर हम लोग ग्राहक लोगों के घर जाएंगे, उनके घर में नॉक करेंगे और उनका जो जरूरत पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। अभी हम ये उपाय कर रहे हैं कि हम जाके ग्राहकों से मिले और उनका काम उनके सहूलियत से कर ले। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें घर घर दस्तक का मुहिम छोड़े हैं और लास्ट दो महीना से बहुत अच्छा हुआ है और इंदौर शहर, इंदौर जोन भी इसमें बहुत अव्वल नंबर में आया है। हमें सबको इसमें खुशी है और आगे चल के हम और आगे जाएंगे। जीएसटी के सवाल पर उनका कहना था कि आने वाले समय में इससे फायदा होगा और व्यापारियों का व्यापार अपडेट हो जाएगा, जिससे उन्हें बैंक से मिलने वाली सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। जीएसटी के अंदर में मैं मुझे ये बोलते हुए खुशी है कि बैंक ऑफ इंडिया एक सिलेक्ट ब्रांच बैंक है जहां जीएसटी के सारे कारोबार ग्राहक लोग कर सकते हैं। उनका जो जीएसटी जो जमा करना है वो हमारे बैंक का इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं और हमारा बैंक इसमें सिलेक्ट हुआ है, वन ऑफ द फ्यू बैंक्स जो कम से कम जो बैंक को चुना गया है। इसमें बैंक ऑफ इंडिया एक महान बैंक है जिसमें आप ये कारोबार कर सकते हैं। और जहाँ तक खुदरा व्यवसाय लोगों को जहाँ तक जीएसटी के बारे में जो असुविधा का जो लोगों का मन में है, अगर आप देखेंगे लास्ट 5-6 दिन तक जो वेरी स्मूथली जो पहले हम लोग सोच रहे थे उससे बढ़िया से बढ़िया तरीका से काम हो रहा है और सभी लोग उसमें अपना टैक्स जमा करने में सक्षम हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे जरूरत होगा हम लोग साथ देंगे और ये बहुत आसान से हो जाएगा और बढ़िया होगा। अब ये जो सारे कस्टमर लोगों को, जो हमारे छोटे छोटे खुदरा व्यवसाय लोग हैं, उनको और आसान होगा। और क्या होगा कि उन लोगों को जो बैंक में लोन लेने के लिए उनके पास रिकॉर्ड नहीं रहता था तो उनको लोन लेने में मुश्किल होता था। अभी क्या होगा, जब जीएसटी बन जाएगा, उनका जो देन देन का कारोबार रिकॉर्डेड हो जाएगा, तो रिकॉर्ड होने के बाद उसका लोन मिलने में और आसान होगा और उनके प्रगति पथ में वो जाने के लिए और उनको सुविधा होगा। नए आने वाले नोट के बारे में महापात्रा का कहना था कि यह रिजर्व बैंक का काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर।